कभी कभी काम नहीं करता है। और तो क्या दरबार लेकर चले आए? तो आगे बताइए, दरबार उसी कारखाने से आई, हलवा उसी कारखाने से आया, तमाम चीजें वही कारखाने से आई। ये परवरदिगार तेरे क्या कारखाने में तलवार भी थी, तेरे कारखाने में लोहे का डट भी होगा, तेरे कारखाने में और भी चीजें होगी। तूने पत्थर ही क्यों भेजा, पत्थर ही क्यों भेजा? अगर न परवरदिगार कहे आपको मदद, अगर न परवरदिगार कहे नादान होड़ कर मैंने पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया? कहा परवरदिगार थोड़ा खोल के तो बता दे। कहा चल काबे पे चल, काबा देख, अब्दुल मुत्तलिब की ऊंट देख, अब्रहा का लश्कर देख, हाथियों का लश्कर देख। जब अब्रहा का लश्कर खाने काबा को खाने के लिए आया था, सभा सराहने के बाद भी मैंने पत्थर भेजा था। अरे अब आप भी की मनखाओं में छोटे छोटे पत्थर आए थे, छोटे छोटे पत्थर आए थे, छोटे छोटे पत्थरों ने अब्रहा को मारा, खाने काबा को बचा दिया। जब काबे की बात आई थी मैंने पत्थर का इस्तेमाल किया था, जब आयशे काबा की बात आई तो मैंने पत्थर का इस्तेमाल किया। अब फर्क यह था कि वहां छोटा था, यहां बड़ा पत्थर था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यही है कि अली की विलायत नहीं, आप सलामत रहे। अली की विलायत जब तक नहीं है तब तक सब बेकार। अगर अली की विलायत आपके पास है, बेशक यहां पर बैठे हैं, उनके पास अली की विलायत है और एक अदा खाना है, आखिरी अदा खाने के हवाले से बड़ी मोतबर अदा खाना है। अली शहंशाह हुसैन बादशाह, कहाँ का हुसैन बादशाह है? मुबारक साहब, ये कहाँ का हुसैन बादशाह? पूरी कायनात का बादशाह है, जमीन का भी बादशाह है, आसमान का भी बादशाह है, अर्श आदम का भी बादशाह है, सरजमीन का भी बादशाह है, कौसर का भी बादशाह है, पूरी कायनात का बादशाह है। इसकी सबूत क्या है? अब सबूत सबसे बड़े की सबूत क्या है कि ये बताइए, जब हुसैन पैदा हुआ था तो कौन आया था? फितरुस आया था। फितरुस कहाँ का मुजरिम था? परवरदिगार की बारगाह का। पैदा होते हुए वो परवरदिगार की बारगाह का, जब एक इलाके एक थाने का केस दूसरे थाने में नहीं जाता, वो उस थाने का केस था, वहाँ का मुजरिम था। जैसे ही आया पदों को मस किया, परवरदिगार ये हुसैन बादशाह ने उसे पर अता कर दिया। ये पहला दिन था हुसैन का जब वहाँ के मुजरिम को पर अता करके माफ किया। करबला में आइए, सुबह आशूर हो आया है, ये यहाँ का मुजरिम था। हुसैन ने वहाँ के मुजरिम को माफ करके बताया, हुसैन वहाँ का भी बादशाह है, हुसैन ने यहाँ के मुजरिम को माफ करके बताया, हुसैन यहाँ का भी बादशाह है। आखिरी अब इसके बाद की निदामत हमारी होगी, हमारे तो होगी अब निदामत हमारे ये करेंगे, क्या नाम है फिर से? फहीम साहब। मुझे याद था क्योंकि आप उसे इसलिए पूछ रहा था कि एक नाज़िम को आपने याद रखा है कि नहीं रखा है। अब एक मतलब तीन चार से सुन ले इंशाल्लाह, चूंकि एक दखाना बड़े मोड़ पर दखाना है, ये छोटा सा दखाना। मैं दावा करता हूँ इस इमाम बारगाह के लिए कि मांग के जाइए देखिए कैसे मिलता है। दावा करता हूँ यहाँ से मांग कर जाइए। मैं एक वाकया बताता हूँ आपको। 15 मुहर्रम को मुझे यहाँ मजलिस पढ़नी थी, 15 मुहर्रम को पहली ट्रेन छूट गई, दूसरी ट्रेन छूट गई, मुसलसल एजाज का फोन जा रहा है। कहा अब कहने वाले एंट्री कह रही हैं उसे आना है, जिसका जश्न है जिसका मजलिस है उसे पढ़ाना है। एक मजलिस एक ट्रेन छूटी, दूसरी ट्रेन छूटी, तीसरी ट्रेन छूटी, मुसलसल मैं 50 किलोमीटर सफर करता रहा, 70 किलोमीटर
किलोमीटर सफर करने के बाद कोई रास्ता नजर ना आया तो मैंने देखा कि एक ट्रेन चली जा रही है। जब ट्रेन पे आया कोई किसी ट्रेन में एक ट्रेन में सफर सवार हुआ, उसने टीटी ने उतार दिया, हमारे में जगह नहीं है। मुसलसल पटना स्टेशन पर उतर गया। अब जब दूसरी टिकट ट्रेन में पहुंचा, हम कैसे कलकत्ता पहुंचेंगे। सुबह ट्रेन में पहुंचा, देखा कि कई सीटें खाली हैं। उस सीट पर जाके मैं एक सीट पर बहुत थका हुआ था। 2 बजे दिन से रात के 11 बजे तक दौड़ रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए। रात के 11 बजे उस वक्त पे मैं सो गया। यकीन मानिएगा कलकत्ते तक टीटी ने पूछा भी नहीं कि ये किसका बर्थ है, क्यों सो रहे हो। सलवा पढ़ते महमद वाले मोहम्मद के साथ यहाँ आया और मैं लिख पढ़ी बहुत बहुत बढ़वाया तो करबला है। अब यहीं से देखिए एक पत्ता तीन चार शेर आके कि ये करबला है, ये करबला है। उजाला यहीं से लिख लेगा, जरा सल्ला फिरा दीजिए। अभी थोड़ी देर के बाद आइएगा इसी अल्लाह खाने में, मैंने कह दिया आइएगा मौला ले दीजिएगा, ये दे दीजिएगा मौला, ये दे दीजिएगा। उस वक्त जबान हिलाइएगा ना, कहीं ऐसी बीबी ना कहे अरे थोड़ी देर पहले प्रश्न हो रहा था, मतलब नहीं खोल रहा था, जबान खोल रहा है।
मुझे यकीन है हीरा यहीं सही है। चमीन कहती थी लईन कहते थे छन्नी करो चमीने हुसैन। जमीन कहती थी सजदा। अच्छा ये जो इंसान की नफ्स चलती है एक मिनट में कितनी बढ़ जाती है, ये दिल जो है ये जो दिल 72 कितना टाइम माशाल्लाह बेटा 72। अब बताइए ये चार गड्ढे हैं जो साइंस के स्टूडेंट देखेंगे, चार गड्ढे हैं, ऊपर एक गड्ढा है, एक यहाँ गड्ढा है, एक यहाँ गड्ढा है, एक यहाँ गड्ढा है, इसमें चार गड्ढे हैं। दो गड्ढे ऊपर वाले जो होते हैं इसमें गंदा खून आता है, इसका काम होता है इसे रिफाइन करके नीचे वाले दोनों गड्ढे में उसका नाम भी मालूम है वक्त हो जाएगा देकर फिर ये तमाम नसों में सप्लाई होता है। और ऊपर वाले गड्ढे का एक गड्ढे में 18 मरतबा धड़कता है, दूसरा गड्ढा 18 मरतबा पंप करता है, तीसरा 18 मरतबा, चौथा 18 मरतबा, 18 18 36 18 18 36 72। शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, करबला इंसान के सीने में यूं लिख दी गई, एक मिनट में दिल धड़कता है 72 बार, करबला इंसान के सीने में एक मिनट में दिल धड़कता है। परवरदिगार ने मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, महफिल खत्म नहीं हो रही है, अभी दूसरे नाज़िम साहब आएंगे, साथ कुछ लोग गुलाम रहेंगे। परवरदिगार ने मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता।